हेलो स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, राइट। सो ये यूनिट टू में सेकेंड टॉपिक है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आईसीडी के बारे में। तो आईसीडी क्या होता है? द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज आईसीडी इज अ स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम यूज्ड वर्ल्ड वाइड टू क्लासिफाई एंड कोड मेडिकल डायग्नोसिस सिम्टम्स and procedures for statistical and billing purpose, right? तो जब भी कोई डिसीज के बारे में बात होता है तो इंटरनेशनल ट्रेड में, क्योंकि किसी भी डिसीज का वर्नाकुलर नेम भी हो सकता है, उसका लोकल नेम हो सकता है, तो उस लोकल नेम से क्या होगा, बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे कोल्ड को सर्दी बोला जाता है, तो अब हम सर्दी के हिसाब से उसको बोलेंगे तो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया या यूके में सर्दी को समझ ना पाए लोग, उसको कोल्ड ही बोला जाए। तो इस तरह से जो डिसीज को हम इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड क्लासिफाई कर देते हैं एक प्रॉपर नेम के तहत, तो उसको इजिली पहचान में कर सकते हैं। और उसका जो भी मतलब फार्माको विजिलेंस में जो भी कोडिंग होने वाला है, स्टेटिस्टिकल डेटा, जैसे कि किसी डिजीज से कितने लोगों का डेथ हो गया, वह कौन कौन से एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्रिएट किए, उसको किस तरह से डील करना है, बिलिंग पर्पस के लिए अगर हम है ना इंटरनेशनल में जब बिलिंग के लिए एक प्रॉपर डिजीज को कोड से उसको बिलिंग करेंगे तो वह कहीं पे भी फिर से आप ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हर डॉक्टर हर फिजिशियन हर हॉस्पिटल उसको समझ जाने वाला है, राइट। सो इसको बेसिकली आप समझ जाइए कि ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या है और इसका मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद कुछ और चीजें यहाँ पे ऐड करना चाहिए, ISD 10, क्योंकि दो अभी चल रहा है, अभी ICD 11 आ चुका है ना, तो ICD 10 वॉज इंडोर्स्ड इन मे 1990 बाय 43rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। सो 43rd जो 43वां वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुआ था 1990 में, उस समय आईसीडी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 10वां उसका चैप्टर जो है, मतलब 10वां एडिशन बोलना चाहिए, वो रिलीज हुआ था। उसके बाद अभी हमारे पास ICD 11 आ चुका है, विच वॉज रिलीज ऑन June 2018, है ना, इन 144th एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग। तो 144वां बोर्ड मीटिंग में 2018 में जो हुआ था उसमें ICD 11 रिलीज किया गया, जिसमें कुछ बहुत सारे संशोधन हुए हैं, बहुत सारे उसमें एडिशन और डिलीशन हुए हैं और डिजीज के नाम भी चेंज हुए हैं। तो यह समय समय पे अलग अलग एडिशन इसका रिलीज होते रहता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में, इंटरनेशनल वर्ल्ड में उस डिजीज को क्या नाम से पुकारा जाए और क्या नाम से जाना जाए, राइट। सो टू नो द इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ कॉज ऑफ डेथ, एक्चुअली द इंटेंशन, द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस क्लासिफिकेशन को करने का, कि इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ कॉज ऑफ डेथ, लाइक अगर व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ, अगर किसी कंट्री में, किसी लोकैलिटी में, किसी स्टेट में, किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी डिजीज के वजह से डेथ हो गया है, फॉर एग्जाम्पल COVID-19, सो उसको एक नाम दिया गया था COVID-19, ताकि उसको इंडिया में भी COVID-19 बोला जा रहा था, ऑस्ट्रेलिया में भी COVID-19 बोला जा रहा था, US में भी COVID-19 बोला जा रहा था, तो उससे कोई कंफ्यूजन नहीं था कि एक तरह का कोरोना वायरस है जो 2019 में आइडेंटिफाई हुआ था और उसके वजह से लोगों की मौत हो रही है। तो अगर उसी को हम लोग यहाँ पे मतलब कोरोना बोल रहे थे या कोरोना बोल रहे थे या फिर मतलब अलग अलग गांव में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में दूसरा दूसरा नाम बोल रहे थे, तो वो वर्नाकुलर नेम हो गया। तो इस तरह से उसको इंटरनेशनली जानने के लिए कि आज COVID-19 से कितनों की मौत हुई, तो इसलिए उसका एक इंटरनेशनल नाम दिया जाना चाहिए और दिया जाता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं यहाँ पे कुछ डिजीज के नाम जो इंटरनेशनली उसको उन कैटेगरीज में रखा गया है, राइट। तो जब हम बात करते हैं फर्स्ट वन, तो ये पहला जो है क्या है, पैरासाइटिक डिजीज। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में नंबर वन में पैरासाइटिक डिजीज, जितने भी पैरासाइट से डिजीज होने वाले हैं उनको रखा गया है, है ना। उसके बाद नंबर टू, रोमन नंबर टू, नियोप्लाज्म, जो भी कैंसर हैं, कैंसर रिलेटेड डिजीज हैं, उनको इसमें ग्रुप टू में रखा गया है। कैटेगरी थ्री में ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स, सो ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स जो भी हो सकता है, बोन मारो, लीवर एक्सेट्रा, है ना। उसके बाद फोर्थ में एंडोक्राइन जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, हार्मोनल ग्लैंड्स होता है, उससे जो भी डिसफंक्शनिंग या प्रॉब्लम होता है उस सब डिजीज को इस फोर्थ कैटेगरी में रखा जाएगा।
उसके बाद फिफ्थ वन है रोमन नंबर फिफ्थ, मेंटल डिजीज और मेंटल डिसऑर्डर, जो भी एंटी साइको मतलब जो भी साइकोटिक ड्रग हैं, हेप्नोटिक और जो भी मतलब दिमाग से रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड है किसी का, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसफंक्शनिंग है, सही से काम नहीं कर रहा है, देन 40-50 टाइप्स ऑफ डिसफंक्शनिंग हो सकता है, वो सबको इस कैटेगरी में रखेंगे। सिक्स्थ रोमन नंबर सिक्स में नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिसफंक्शनिंग और डिसीज है उसको रखने वाले हैं। सेवंथ में आईस, आई इन्फेक्शन हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है ना। उसके बाद ईयर, एट में ईयर है, ईयर से रिलेटेड जो भी मतलब मिडिल ईयर, आउटर ईयर जो भी उसमें इन्फेक्शन होने वाला है, स्वेलिंग होने वाला है, है ना, वो सबको इसमें रखेंगे। नाइन्थ में सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा ब्लड से रिलेटेड उसको। देन टेंथ में रिस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, रिस्पिरेटरी जैसे कि कोल्ड हो गया, कफ हो गया, स्नीजिंग हो गया, है ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, कोई भी प्रॉब्लम अगर मतलब रिस्पिरेटरी सिस्टम से होता है उसको इस कैटेगरी में रखेंगे। वेयर एज इन इलेवंथ वी कैन सी द रोमन नंबर इलेवंथ एक्स आई, राइट, तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, डिजीज हैं, लाइक हम देख चुके हैं कि कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, गैस्ट्रिक, ब्लोटिंग एक्सेट्रा, वो सब इसमें आने वाले हैं। उसके बाद है 12 में स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, लो भी डर्मेटोलॉजिकल इश्यूज हैं, रैशेस ऑफ स्किन, दाग, खाज, खुजली और जो भी मतलब रेडनेस होता है वो सबको इसमें रखेंगे। उसके बाद आता है 13th XIII, इसमें मस्कुलो स्केलेटल रिलेटेड डिजीज, राइट, मसल से रिलेटेड कोई भी मसल क्रैम्प और स्केलेटल सिस्टम से बोन मारो डिप्रेशन एक्सेट्रा, जो भी रिलेटेड है मसल और मतलब मसल और हड्डियों से रिलेटेड उसको इसमें रखने वाले हैं। उसके बाद है 14 नंबर X1V, जेंसियो यूरिनरी, सो यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है। उसके बाद 15th है प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको इसमें रखेंगे। 16th में पेरिनेटल पीरियड में जो भी प्रॉब्लम्स होता है। उसके बाद 17th में माल फॉर्मेशन ऑफ द फेटस से रिलेटेड जो भी है। 18th में क्लिनिकल फाइंडिंग्स, जो भी मिलता है हमको क्लिनिकल फाइंडिंग्स नया ड्रग का, नया डिजीज का, उसको उसमें डाल देंगे। उसके बाद 19th में पॉइजनिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, एंड 20th में एक्सटर्नल मॉर्टेलिटी, जो भी बाहरी चीजों से जो भी डेथ होता है उसको इस कैटेगरी में रखेंगे। तो जब ये एक स्पेसिफिकली जो इंटरनेशनली आइडेंटिफाइड हो जाता है और इंटरनेशनली जब इसको एक नोमेनक्लेचर दे दिया जाता है तो कन्फ्यूजन के चांसेस कम हो जाते हैं और हर जगह में इसको उसी नाम से पुकारा जाता है और जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर वन, इसी में देखते हैं हम लोग इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में क्यों इसको किया जाता है। तो हेल्थ कंडीशन, व्हाट आर द पर्पजेस, सो हेल्थ कंडीशन ICD इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज कैटेगराइज डिजीज इंजरी इनटू चैप्टर्स, राइट, ईच रिप्रेजेंटिंग बोथ कैटेगरी सच एस मेंटल इन्फेक्शन एक्सेट्रा, जो हम लोग अभी देखे हैं ना। सो यह एक बोथ कैटेगरी में उसको, उस डिजीज को रख दिया जाता है उस नंबर में। लाइक फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख चुके हैं कि 10th नंबर में रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है ना, उस तरह से, और 5th नंबर में मेंटल से रिलेटेड है ना। तो उसको जब हम रख देते हैं तो वह एक स्पेसिफिक चीज को दर्शाता है। एग्जांपल के लिए नियोप्लाज्म, तो हम नियोप्लाज्म उधर ऊपर 2nd नंबर में देख चुके हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर, जैसे कि ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, तो उसका कोडिंग क्या किया जाएगा, ICD-10, फॉर एग्जांपल 10 का एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है, वो एनीवे वी आर हैविंग ICD-11 नाउ, सो ICD-10 कोड C50। तो ये जब कोड C50 हम यहाँ पे बोल देते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे सिर्फ नियोप्लाज्म में ब्रेस्ट कैंसर की ही बात की जा रही है, ये कन्फर्म हो जाएगा ये कोडिंग से, ठीक है। नियोप्लाज्मा ऑफ लंग, अब कैंसर तो लंग में भी हो सकता है, ब्रेस्ट में ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में हैव द कैंसर, सो ICD-10 कोड C34। तो देखिए यहाँ पे कैंसर के भी बारे में, यहाँ पे C50 जब बोला जाएगा तो ब्रेस्ट कैंसर की बात हो रही है, C34 जब बोला जा रहा है तो वह लंग कैंसर की बात हो रही होगी, ठीक है। तो इस तरह से कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा जब कोडिंग सही तरीके से जाएगा, क्योंकि अगर हम नेम से पुकारेंगे तो हो सकता है चांसेस आप इधर, है ना। कोडिंग सिस्टम कैसा होता है, ईच डिजीज इन ICD इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज असाइंड
यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड जो कि हम अभी देख चुके हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज मिलेटस टाइप 2। तो डायबिटीज मिलेटस टाइप 2 मतलब ICD-10 के जो एडिशन में कोड E11। सो E11 जो इसी को बोला जा रहा है अल्फा न्यूमेरिक कोड। अल्फा मतलब ई अल्फाबेट में आ गया और न्यूमेरिक मतलब 11 और ये E11 है एक कोड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग। तो अगर किसी भी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड किसी स्टेट किसी कंट्री में अगर डायबिटीज का नंबर इज गेटिंग इंक्रीज फॉर लास्ट 6 मंथ और लास्ट 1 ईयर और लास्ट 5 ईयर और 1 डिकेड सो दैट कैन बी ट्रेस्ड by World Health Organization or by other pharmacovigilance team and that can be identify कि वो type 2 diabetes ही है। अगर type 1 हो जाएगा तो ये E11 नहीं रहेगा, ये दूसरा कोड हो जाएगा, है ना। तो इसमें मतलब error के chances बहुत कम हो जाते हैं और इसलिए ये बहुत जरूरी है। उसके बाद third है regular updates। अभी हम देख चुके हैं ICD-11 आ चुका है हमारे पास, तो regular update भी बहुत जरूरी है। changes in disease updates like हेल्थ केयर practices, इट कैन बी अपडेटेड। फॉर example, ट्रांजिशन फ्रॉम ICD-10 टू ICD-11, इट मे बी द जो ICD-10 में था वो ICD-11 में उसका संशोधन किया गया है, उसके क्लासिफिकेशन में, उसके टर्मिनोलॉजीज में, उसके डिफरेंट कोड्स में। तो अभी ICD-11 क्या है, इफेक्टिव है, तो इसी को फॉलो किया जा रहा है और किया जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वाई इट इज नेसेसरी, उसको भी हम एक पॉइंट और यहाँ पे रख सकते हैं इसमें अपने आंसर में। द थिंग इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, सो हम इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ही फुलफिल करने के लिए ये क्लासिफिकेशन रखा गया है। स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड वाइड, ठीक है, पूरे दुनिया में इसी को फॉलो किया जाना चाहिए जितने भी हेल्थ प्रैक्टिशनर हैं, क्योंकि यह डिटेल आप सभी को कन्फ्यूजन से दूर करने वाला है। अवेलेबल इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इंग्लिश में ही होगा, वो हिंदी में भी हो सकता है, जर्मन में भी हो सकता है, फ्रेंच में भी हो सकता है, है ना। यूटिलाइज्ड बाय वेरियस क्लिनिकल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ सेटिंग्स, ताकि हम एग्जैक्ट डिजीज को ट्रेस कर सके कि कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन अगर कहीं पे किसी कंट्री में हुआ है तो वह उसी डिजीज के ट्रीटमेंट के दौरान हुआ है, कोई भी डेथ अगर हुआ है कहीं पे, और ना जैसे COVID-19 की मैं बात कर रहा था, तो COVID-19 में उस समय जो डेटा है वो फ्लक्चुएट हो रहा था, अचानक 100 केसेस थे तो सुबह मॉर्निंग जब हम न्यूज में देखते थे तो वो 1000 हो जाया रहता था, या फिर मरने वालों की संख्या उस समय एक ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा था, तो उस समय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए डेटा वहां पे कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट हो रही थी। न्यूज चैनल कुछ और बोलती थी, WHO कुछ और बोलता था, फार्माको विजिलेंस टीम कुछ और बोलती थी, गवर्नमेंट कुछ और बोलता था, तो इस तरह से उस इस तरह के पैंडेमिक सिचुएशन में भी यह इस तरह का क्लासिफिकेशन अगर हमारे पास मौजूद रहेंगे तो हम उसको इजीली ट्रेस कर पाएंगे और उससे निजात पाने के लिए जो भी समाधान है उस पर हम चर्चा कर पाएंगे, हमारे साइंटिस्ट हमारे रिसर्चर उस पर काम कर पाएंगे, है ना। तो यह एक बहुत अच्छे तरीके से इसको आपको पहले समझना जरूरी है, तभी आप इसको एग्जाम में नहीं भूलेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया कि ये क्यों है, आप रटने पे ध्यान मत दीजिए, आप चीज को समझ लीजिए। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो डेफिनेटली यू कैन ऐड 2-3 लाइन बाय योर ओन विद योर अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि ICD क्या होता है, उसका कौन कौन से एडिशन है और वह क्यों बनाया गया। ऑब्जेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, भले ही वो एक लाइन में हो लेकिन ऑब्जेक्टिव आपको देना पड़ेगा। उसके बाद डिफरेंट ग्रुप ऑफ डिजीज जिसके हिसाब से क्लासिफाई किया गया है, और ये 4 पॉइंट्स में आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हेल्थ कंडीशन मतलब किस लिए यूज होता है, कोडिंग सिस्टम कैसा होता है, रेगुलर अपडेट्स क्यों जरूरी है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में इसका क्या यूसेज है। तो यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा PDF फॉर्म में, वहां से आप डाउनलोड कीजिए, अपना खुद का नोट्स बनाइए और चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। समझ में नहीं आता है तो YouTube वीडियो में आइए और देखिए वीडियो को। धन्यवाद।